सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। गुरुवार को हुए पुलवामा हमले में कुल 37 जवान शहीद हुए थे। आतंकी हमले के बाद से ही देश भर में गुस्सा है। CCS की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुए। इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए। नंबर 1, पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया है। यानी अभी तक पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड करने में जो छूट मिलती थी वो बंद हो जाएगी। नंबर 2, विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए सभी देशों से बात करेगा। दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंक परस्ती चेहरे का पर्दाफाश किया जाएगा। नंबर 3, 1986 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की परिभाषा बदलने के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसे पास करवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए अन्य देशों पर दबाव बनाया जाएगा। नंबर 4, गृह मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को सर्वदलीय बैठक करेंगे। इस बैठक में राजनाथ सिंह पुलवामा हमले पर विपक्षी पार्टियों से विस्तार में चर्चा करेंगे। एंड नाउ नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, उन्होंने सेना को खुली छूट दी है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।